Hi friends, this is Rakesh and welcome to Dynamic Study. Friends, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंजन के ऊपर है, उसका टाइप्स पढ़ेंगे as per the सिलेंडर arrangement. ठीक है. एंड जो बेसिकली हम यूज करते हैं फोर टाइप्स ऑफ सिलेंडर arrangements. ठीक है. पहला है हमारा इनलाइन इंजन, दूसरा है वी इंजन, तीसरा है अपोज्ड इंजन एंड द लास्ट वन इज रेडियल इंजन. ठीक है. ये तो हम नाम हमको पता चल गया कि क्या क्या यूज़ करते हैं, ये किस तरह दिखता है ये भी देखना चाहिए ना. नहीं तो इनलाइन इंजन कुछ इस तरह दिखेगा. इनलाइन मतलब कि एक ही लाइन से रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कि इनलाइन इंजन. ठीक है. इसका यूजेस के बारे में भी पता चलना चाहिए, मतलब कि ये जो इंजन है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं हम. ठीक है. ये जो यूज़ करते हैं इनलाइन इंजन को हम बेसिकली ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव्स एंड एयरक्राफ्ट. ठीक है. जो बस, ट्रक एंड कार्स ये सब में हम इनलाइन इंजन यूज करते हैं. ठीक है. एंड जो दूसरा है हमारा वी इंजन, कुछ इस तरह दिखता है. एंड वी से भी पता चल जाता है कि वी के तरह कुछ होगा शेप, इंजन का जो सिलेंडर का जो शेप होगा कुछ वी तरह होगा. ठीक है. अरेंजमेंट जो होगा सिलेंडर का, अरेंजमेंट जो होगा वी तरह कुछ होगा. ठीक है. एंड जो इसका यूजेस है ये सिर्फ स्पोर्ट्स कार में यूज करते हैं वी इंजन. ठीक है. जो स्पोर्ट्स कार रह गया, जो स्पोर्ट्स में हम देखे हैं कार सब, उसमें वी इंजन यूज करते हैं. ठीक है. एंड थर्ड वन इज अपोज्ड इंजन, कुछ इस तरह दिखता है. एंड इसका यूजेस देखेंगे तो फिर अपोज टाइप इंजन हैव बीन यूज मोस्टली इन लार्ज स्केल एप्लीकेशन. लार्ज स्केल एप्लीकेशन जैसे कि सीप्स, मिलिट्री टैंक्स एंड इन फैक्ट्रीज ऑल्सो. ठीक है. जो सीप रह गया, बड़ा बड़ा सीप, मिलिट्री टैंक्स एंड फैक्ट्रीज में अपोज टाइप इंजन यूज करते हैं. ठीक है. एंड जो लास्ट वन इज है हमारा रेडियल इंजन, कुछ इस तरह दिखता है. रेडियल मतलब कि क्रॉस क्रॉस होके रहना, रेडियल इंजन. ठीक है. एंड इसका जो यूज़ होता है वो सिर्फ स्मॉल एयरप्लेन्स में यूज़ करते हैं. तुम देखा होगा कि जो एयरप्लेन देखा होगा आगे की तरफ एक पंखा लगा होगा ना छोटा वाला, वो रेडियल इंजन के साथ लगा होगा. ये जो दिखाया अभी रेडियल इंजन किस तरह दिखता है, तो पंखा ना एयरप्लेन का जो पंखा आगे की तरफ होगा वो रेडियल इंजन के साथ अटैच होगा. ठीक है. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगला वीडियो मैं जब डालूँगा ना आपके पास पहले आएगा. ठीक है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.